याद रखिए मेरे भाई बहन, सत्कर्मों का फल बहुत अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बहुत बुरा होता है। जीवन में जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म करना चाहिए। मी एंड माई फैमिली तो इट्स ओके, मैं और मेरा परिवार तो है ही, पर जीवन में कभी कभी उनके बारे में भी सोच लिया करो जिनका कोई परिवार ही नहीं, उनका परिवार बनने का सौभाग्य भी कभी कभी प्राप्त कर लिया करो कभी कभी। तो प्यारे, राजा बलि का यह प्रसंग यहां पर पूरा होता है। एक बहुत प्यारी कथा आती है राजा सत्यव्रत की। राजा सत्यव्रत को भगवान मत्स्य रूप में अवतार होता है, मत्स्य रूप में भगवान दर्शन देते हैं। उनके बाद में अम्बरीश राजा की कथा आती है, अम्बरीशो महाभाग महाभाग अम्बरीश महाभाग। बड़े पुण्यात्मा है अम्बरीश। ये जो एकादशी का व्रत हम कहते हैं ना, व्रत रखना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग नहीं रखते हैं, कोई कहता स्वागिन को नहीं रखना चाहिए, कोई कहता बच्चियों को नहीं रखना चाहिए, कोई कहता दोनों नहीं रखनी चाहिए, तमाम कंफ्यूजन में डाल देते हैं लोग। मैं कहता हूं हर उस व्यक्ति को दोनों व्रत रखने चाहिए जो भगवान से मिलने की इच्छा रखता है। इससे कभी कुछ बुरा नहीं हो, भगवान के व्रत से कोई बुरा होता है? ये थिंकिंग रॉन्ग है, ये विचारधारा गलत है। भगवान के व्रत से, एकादशी के व्रत से कभी कुछ गलत नहीं होता है, अच्छा ही होता है। राजा अम्बरीश सेवा भाव किसको कहते, अम्बरीश की कथा जरूर सुननी चाहिए जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, उनसे सीखो, अम्बरीश राजा से। राजा होकर भी स्वयं, राजा होकर स्वयं से अम्बरीश राजा हल चलाते हैं, खेती करते हैं, अन्न लेत के उसे चाकी अपने आप चलाते हैं, मंदिर में खुद अपने हाथ से झाड़ू पोछा करते हैं, वारू लगाते हैं अपने हाथ से, किसी को प्रविष्ट नहीं होने देते। और एक प्रसंग तो ऐसा आता है कि राजा का विवाह जब हुआ अम्बरीश राजा का, तो मेरे से सेवा छूट जाएगी, इस चक्कर में वो विवाह करने नहीं गए, फेटा कटारी को भेजा, जाओ विवाह करके लाओ। अब सब वो दुल्हन आ गई घर में, दुल्हन आ भी गई घर में, अब दुल्हन को अपने पति का मुख देखने का भी सौभाग्य नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बोले इसलिए नहीं मिल रहा है, सेवा से फुर्सत मिले तब ना। जो सच्चे दीवाने होते हैं वो भगवान से एक क्षण भी दूर नहीं जाना चाहते, और जो दुनिया के चाहने वाले होते हैं उनसे वो भक्ति बर्दाश्त नहीं होती। अरे हम यहां किस लिए बैठे? हम भी तो यहां बैठे हैं, इन्हीं के लिए तो आए हैं हम। और ये है कि हमें समय नहीं देते, हमारे को टाइम नहीं देते, तो बड़ी परेशान रहने लगी देवी जी कि ये तो हमें समय नहीं देते। एक दिन कोई संत पधारे और संत से उन्होंने पूछा, महाराज ये बड़ी विषम परिस्थिति, हम क्या करें? बोले देखो ये भगवान की सेवा में 24 घंटे रहते, तुम भी सेवा करो, लड्डू गोपाल की सेवा करो। बोले ठीक है, झट लड्डू गोपाल की सेवा ले आए और करने लगी, और बड़े दिल से करने लगी। लड्डू गोपाल भी वृंदावन से आए, क्योंकि जब भी लड्डू गोपाल लेने हो आजकल तो शौक थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है कि जिसे देखो वो लड्डू गोपाल ले आते, सेवा का भाव थोड़ा कम जानते हैं। लड्डू गोपाल वो ही लाए जो उस भाव में परफेक्ट हो। एक जनी हमसे कहने लगी, बोले महाराज हमारे घर में लड्डू गोपाल ना छोटे हैं तो वस्त्र नहीं पहनाए जाते, हम दूसरे ले आए। और मैंने कहा कल वो भी छोटे पड़ गए, तो फिर तीसरे ले आए, फिर चौथे ले आए,
अरे एक लड्डू गोपाल जिनकी सेवा, वो भा आप उसे मूर्ति समझोगे तो लाने का कोई फायदा नहीं, अगर आप उसे अपना समझोगे तो छोटे को आप अपने घर से निकाल सकोगे क्या? हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, है ना? राधे राधे बोलना पड़ेगा। हम क्या कह रहे थे, छोटा हो या बड़ा लड्डू गोपाल जी हमारे हैं, ये भाव मन में हमेशा रखो और लाओ वही जो सेवा कर सके। अब वो देवी जी लड्डू गोपाल जी ले आएंगे, और देवियों में एक गुण बहुत अच्छा होता है, ये गाती बहुत अच्छा है, हैं? कैसे भी हो इनकी गायक की तो बड़ी, और संगीत में तो इतनी जल्दी मिल जाती है, कुछ पूछो ही मत, भजन आए ना आए ट्यूनिंग पूरी करती है। कई बार वर्डिंग है जो नहीं इनको याद रहती है, वह ट्यूनिंग पूरी फुल तू असरणम। और यहां तो फिर भी थोड़ा, शहरों में तो घूंघट उंगट नहीं है, गांव में तो और भी गजब घूंघट कर लेंगे, जिन्हें ट्यूनिंग भी नहीं पता वो भी स्वर पे ही टीप मारेंगे पूरी, वहीं घूंघट करके पता ही नहीं। और वहां तो ऐसी ऐसी भजन गाती हैं कि कौन सी गा रही है घूंघट करके जी नहीं पता कि गाय कौन सी रही है। कछु करे रे भजन जाते तेरे रे, आपऊ तेराए माई बापऊ तेराए। अब वो माई बाप कौन सो जो गाय रो है कोई पता नहीं। तो ऐसी लीलाएं देवियों को, अब वो देवी जी भजन गा गा के ठाकुर जी को भोजन करावे, पद गा गा के ठाकुर जी को सुवावे, पद गा गा के ठाकुर जी को उठावे। अब ठाकुर जी का चित्त उधर खिंचने लगा, यह ठाकुर जी भी बड़ा रसिया, जित कु दी के भरी परात तो कोई रेवे समिया रात। अब ये तो बेचारे अम्बरीश तो बड़ा भाव से, तो पर गाना इनको आता नहीं, और वो गाती भी है पद भी गाती है, तो और मन प्रफुल्लित होता भगवान का। अब एक दिन क्या हुआ, अब आज भगवान का ही क्यों, ये जब पद गाती है ना, अम्बरीश को अभी तक नहीं पता है पत्नी गा रही है, ये पद सुनते सुनते ऐसे हो जाते हैं। सर्दियों में हमेशा नहलाते थे, स्नान कराते थे गर्म जल से, लेकिन वो पद में इतने मगन हो गए सुन सुन के कि ठंडे जल से भगवान को नहला रहे हैं। भगवान बोले, ओ भैया सर्दी है जाएगी, कहाँ कर रहे हो तू, ठंडे जल से नहा रहे। भगवान क्षमा करना, ध्यान कहीं और चला गया। भगवान बोले, जहां तेरो ध्यान है वही मेरो ध्यान है, पर तू नवा जल्दी स्नान करा। अब भोग लगा रहे हैं, अब वहां भी भोग लगा रहे हैं, तो वो गा गा के भोग लगा रही है, और यहां ये सूखे ही भोग लगा रहे हैं बिना गाए, तो इनका भी ध्यान उधर ही जा रहा है। भोग लगाना था मुख में, वो नासिका में दे रहे। भगवान बोले, भैया का है गए हो तो ए? बोले कछु मोह ना भयो जी, गाय कौन रही है, इतनो बढ़िया आपको पद गाय रही है महाराज, कि बस मेरो मन बरबस वाई की तरफ जावे, वो पद की तरफ। भगवान बोले, एक काम कर, तू चले और मोह ले चल, दोनों संग मिल के सेवा करो, तेरी घरवारी है जो गा रही है, चल। ये कोई और नहीं है, तेरी घरवारी गा रही है, चल भैया हम चलेंगे। भगवान चल दिए, और भगवान अपने भक्तों को अपनों से मिलाते भी हैं। ओ भैया अपनों से अपनों को मिलाते भी हैं, ये ठाकुर जी की लीला है, बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी लीला है।